हो तो फाइनली मैं होटल पहुंच चुका हूँ। ये ऑर्चिड होटल है, ये तंजन बाजार एरिया जो है पोर्ट एरिया उसके पास पड़ता है। ये बिजनेस होटल है तो यहाँ पे अर्ली चेक इन नहीं है, तो इसलिए मेरी फ्लाइट सुबह 6:30 बजे पहुँच गई थी। मैं आया हूँ यहाँ पे 7:30 बजे पहुँच गया था होटल में, लेकिन तब से मुझे वेट करना पड़ा। लेकिन फिर भी आप रात की फ्लाइट आप लेकर आते हो तो सुबह आपको फोन था कि भी अब होटल मिल जाए बस, तो ताकि रेस्ट कर सको, तो वो यहाँ पे नहीं हुआ। अदरवाइज होटल ठीक है। और मैं आपको अभी अपने रूम का, मुझे रूम मिल गया तो क्विक आपको रिव्यू देता हूँ रूम का। ये 15th फ्लोर पर मेरा रूम है और रूम नंबर है 1509। तो ये है इसका की है, ये लॉबी है। इधर से ये लिफ्ट से निकल के 15th फ्लोर पे ये है रूम, ये वाला 1509। तो इसी कार्ड से एक्सेस करते हैं, तो ये चलते हैं अंदर। ऐसा ये डीलक्स रूम है, इसको भी एक्सेस कार्ड को डाल देते हैं। तो ये लाइट ऑन होगी। यहाँ पे मेकअप रूम स्विच है, डू नॉट डिस्टर्ब क्लीनिंग के लिए। हाउस लाइट के स्विचेस है यहाँ पे। इस तरफ ये वार्डरोब है, इस तरह से यहाँ पे ये आयरन है और ये इसका बोर्ड हो गया आयरन बोर्ड। कुछ हैंगर्स हैं, मेरे पास रोब इसका, ये अलग ही तरह से इसका खुलता है दरवाजा, इस तरह से दरवाजा खुलता है। तो ये एक सेफ है यहाँ पे, तो इसमें आप ये बाय डिफॉल्ट खुला रहता है और इसमें आप सामान रख सकते हो, अपना पासपोर्ट या कोई करेंसी कुछ रख के अपने हिसाब से यहाँ पे इसका जो है ये सेट कर सकते हो पासवर्ड और लॉक कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ सामान रखने का स्लीपर है, ये वाले एक्स्ट्रा तकिया दिया हुआ है इसमें, अगर कभी छोड़ दो तो आप ये एक्स्ट्रा तकिया यूज़ कर सकते हो। रूम बंद करता हूँ, बंद कैसे करके ये है। ये यहाँ पे मैप लगा हुआ है, इसमें बताया गया कि आपका रूम किस सिचुएशन पे, तो ये मेरा इधर होटल ऐसे है तो यहाँ पे इधर मैं रूम है। तो अब ये देखिए, ये अंदर चलते हैं रूम के अंदर। ये राइट हैंड साइड में बाथरूम है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ स्नैक्स हैं रखे हुए, ये चाय कॉफ़ी बनाने का सामान है, कप हो गया, स्पून हो गया, केटल, ये कुछ ग्लासेस हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये पानी की बॉटल कॉम्प्लीमेंट्री, दो पानी की बॉटल दी गई है, तो ये हर रोज़ दो कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल देते हैं पानी की। ये कुछ है इधर, ये शायद कनेक्टिंग रूम है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और मुझे अभी और वेट करने के लिए बोल रहे थे, वो कह रहे थे 2 बजे तक आपको मिलेगा, लेकिन मुझे जल्दी था तो फिर मुझे लग रहा कि जो भी अवेलेबल होगा उन्होंने उस हिसाब से रूम दे दिया। डीलक्स इस तरह की ये वुडन इसकी फर्श है, ये है बेड में। मज़े की बात ये है कि एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड भी साथ में दिया है, तो मतलब बेसिकली फैमिलीज़ के लिए, अगर ज़्यादा लोग हैं, फैमिली जा रही है तो एक ही रूम के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज रुकी हुई इस होटल के अंदर, हालांकि ये बिजनेस होटल भी है। वहाँ पे ये रख दिया सामान रखने के लिए, ये एक 32 इंचेस LED टीवी लगा हुआ है, चेयर्स हैं बैठने के लिए, ये है बेड, मेन बेड, साइड बेड है, तो देखते हैं साइड बेड में बैठ के। वाह क्या बात है, ये गद्दे जबरदस्त होते हैं यार होटल्स के। काफ़ी सॉफ्ट हैं गद्दे। अभी ये खिड़की है पूरी बाहर की तरफ, अभी देखते हैं कि बाहर का व्यू कैसा है। एक दो टेबल लैम्प है रूम में, टीवी का रिमोट है, कुछ इसमें रखा हुआ सामान है, ये टिश्यू पेपर है, ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ वर्क स्टेशन कह लो आप, यहाँ पे नेटवर्क बोर्ड दिया हुआ है,
और ये दो पावर वाले हैं, इसमें ये खाली है, ये चेयर है, चेयर पे बैठ के आप काम कर सकते हो कुछ भी। तो ये और डायरेक्टरी दी हुई है, कुछ नंबर वगैरह को देखना है। एक ये मेन्यू है होटल का, इसमें ये चीज़ें हैं, ऑर्चिड कैफे रूम सर्विस मेन्यू। तो इसमें ब्रेकफास्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट है, कॉफ़ी टी है, सूप है। तो ये आप थोड़ा रोक के वीडियो को देख लो। इसमें एपिटाइज़र, सैंडविचेस, डीप फ्राइड, डेजर्ट, पास्ता वगैरह, काफ़ी वेस्टर्न ग्रिल, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे कम जो इसमें है वो है ये 3.80 डॉलर का है। ये है स्टीम वाइट राइस, ये सबसे सस्ती चीज़ है यहाँ पे। ये एक ब्रेकफास्ट के एक्सेस के लिए इस तरह कूपन होता है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड देते हैं आपको वाईफाई का, ताकि फ्री वाईफाई यूज़ कर सको होटल में। ये की है इस तरह की। देखते हैं यहाँ से बाहर का व्यू, तो बाहर का व्यू कैसा लगता है रहता है यहाँ से। ये कर दिया पर्दा साइड में और ये भी कर दिया साइड में। तो अभी देखिए ये है व्यू बाहर का। ये कि सामने ये दो काफ़ी अच्छे वाले होटल, और भी दो होटल हैं सामने, और एशिया होटल करके कुछ है ये, जिसमें बाहर पौधे वगैरह लगाए हुए उन्होंने। क्योंकि ये कार्लटन सिटी होटल है ये सामने, ब्लैक कलर का जो राइट हैंड साइड में ये वाला होटल। इधर ये चाइना टाउन के आसपास होटल है, तो चाइना टाउन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये नीचे का व्यू है, इधर का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, टेरेस स्ट्रीट है ये। ये सामने पूल व्यू है। ये जो राइट हैंड साइड में ये टेंजन पगार की, ये जो रेड कलर की जो छत दिख रही है, ये टेंजन पगार की मेन मार्केट है, खाना पीना और जो भी सामान के लिए ये मार्केट है। तो ये सामने ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये जो ऊंचे ऊंचे ये बने हुए बिल्डिंग्स। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ ये बना हुआ है, यहाँ पे आप ऐसे लेट सकते हो, आप बैठ सकते हो, तो यहाँ का व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। तो इस तरह का होटल है ये। ये है बाथरूम, शॉवर एरिया है, टॉवल, ये शॉवर है, शॉवर, शैम्पू, बॉडी सोप, काफी खुला शॉवर एरिया है। ये वॉशरूम, टैब है, हॉट एंड कोल्ड वाटर, हेयर ड्रायर, ब्रशेस है, शॉवर कैप है, वैनिटी किट है, और डेंटल किट है, टूथब्रश और पेस्ट है इसके अंदर, ये फेस वॉश है, हैंड वॉश, फेस वॉश है, और ये सोप है। तो ये इस तरह का ये है इसका बाथरूम। सबसे मेन चीज़ है कि खिड़कियाँ, व्यू काफ़ी अच्छा है बाहर का खिड़कियों से। ये इसमें देखें क्या है, ये है फ्रिज, इसमें है ये कुछ, ये कोक है और स्प्राइट है। इसमें आप कुछ सामान अगर आपको कुछ रखना है खाने पीने का तो और रख सकते हो फ्रिज के अंदर। तो आइए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, टाइम हो गया, मैं लेट हो गया पहले ब्रेकफास्ट में, देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ये सामने चाइना टाउन, चाइना टाउन की नज़ारे कर लाइन से रेड कलर की छतें हैं, ये चाइना टाउन। अच्छा लिफ्ट आ जा, लिफ्ट है, मिरर लगे हुए हैं लिफ्ट में, सामने ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं,
पता नहीं चलता है एकदम से कि कौन सी लिफ्ट आई हुई है। लेवल 3 तो लेवल 3 पे इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है और उसके साथ में जिमनेजियम है और शावर रूम है और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा है, स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी अच्छा बनाया गया है स्विमिंग पूल। ब्रेकफास्ट 10 बजे तक था, ब्रेकफास्ट मिला नहीं है। तो मुझे कन्फ्यूजन ये रहा है कि 10:30 तक ब्रेकफास्ट मिलेगा, लेकिन 10 o'clock तक ही था ब्रेकफास्ट। तो जी चलो कोई नहीं, हमने अपने साथ में हम बिस्किट और अपना सामान रखा हुआ था, बिस्किट मटकियाँ वगैरह वो खा ली हैं, तो उससे काम चल गया है। अभी बाहर जाता हूँ, बाहर देखता हूँ कुछ और खाने का मिलता है। क्या व्यू इधर, ये चाइना टाउन है इस तरफ, और ये मेरे पीछे ये होटल नज़र आ रहा है, काफ़ी सुंदर सा होटल, वो एशिया होटल है, काफ़ी फेमस होटल है। इसमें पूरे पेड़ लगाए हुए हैं नीचे से लेकर, देखिए नीचे से लेकर ये ऊपर तक आपको पूरे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये व्यू है यहाँ से होटल से, ये एक गार्डन बना हुआ है। दूसरी तरफ जाके देखते हैं दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर। तो ये है इधर का व्यू। इस तरफ जो ये सामने है ये टेंजोंग पगार मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पे, और ये मार्केट है जनरल पर्पस मार्केट, जो रेस्टोरेंट और खाना पीना फ्रूट्स वगैरह मिलता है। तो ये मेरा होटल है इस तरफ। तो अभी पूल दिखाता हूँ आपको, तो पूल के दर्शन कराते हैं आपको। ये जिमनेजियम भी है जो कि खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है यहाँ पर जिमनेजियम में। ये है यहाँ का पूल। ये पूल काफी अच्छा लग रहा है, ये वाला पूल। तो ये कुछ ये बैठने के लिए जगह है, तो ये होटल हो गया। ले अब चलते बाहर, बाहर जाके खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आज काम भी है ऑफिस में, लेट रात तक रुक के काम करना पड़ेगा। ये एक यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये आजकल ऑरेंज ये वाले ना ये काफ़ी मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जितने होटल्स हैं हर जगह पे लोगों ने ये लगाए हुए हैं। ये बालाजी भवन, बालाजी भवन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है मुस्तफा सेंटर के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे मैंने थाली ली, नॉर्थ इंडियन थाली। तो थाली में क्या क्या है, ये गोभी मटर की सब्ज़ी है तरी वाली, दाल मखनी, शाही पनीर, आलू मटर आलू की सब्ज़ी है, राइस, रायता, अनियन, और एक बेबी नान है, और एक तंदूर की रोटी और पापड़। तो ये है, और ये है $11 की ये थाली है, $11 की। तो जो वर्थ है, किसी रेस्टोरेंट में जाके आप खाते हो तो आपको 20-25 डॉलर के ऊपर लगता है इसी तरह का कुछ लेने के लिए। तो ये काफ़ी रीज़नेबल है और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। तो ये है बालाजी भवन इन फ्रंट ऑफ मुस्तफा सेंटर। आप आते हो यहाँ पे तो आपको ये आज जो होटल है 4-star होटल है, इसमें जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, और लेकिन ये आउटस्कर्ट्स में है। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जाना चाहते हो या सेंटोसा है जाने का आपका प्लान, तो ये उसके उस इन दोनों जगह के ये पास में पड़ता है होटल। तो यहाँ से बिल्कुल करीब में ही है सेंटोसा आइलैंड और यूनिवर्सिटी स्टूडियो, और रिसॉर्ट वर्ल्ड में कैसीनो है वो भी यहाँ पास में पड़ता है। तो ये सब जगह अगर आपको जानी है, सिटी भी यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, तो लेकिन ये सिटी के अंदर नहीं है, थोड़ा बाहर जाके ये होटल है। तो आपने रूम देख लिया है, तो अब मैं आपको बता दूँ इसका क्या दिखने का मुझे पड़ा है। तो ये आफ्टर डिस्काउंट जो मुझे है, ये रूम पर नाइट $190 पड़ा है, जिसमें कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, जिमनेजियम और पूल एक्सेस है,
ये रूम है, यहाँ पे एक कुछ खाने पीने का सामान है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बॉटल दो पानी की बॉटल दी गई है कॉम्प्लीमेंट्री। और रूम जो है, रूम की बात करें, रूम काफ़ी खुला है और एंट्रेंस है, साथ में बाथरूम, फिर इधर कुछ फ्रिज है और कुछ खाने पीने का सामान, चाय वाय बनाने का है, दो बेड है यहाँ पे, तो अगर दो से ज़्यादा लोग भी हो तो तब भी आप आ सकते हो इसमें। हर एक मैक्सिमम रूम में यहाँ पे दो बेड है, किंग बेड है और साथ में क्वीन बेड छोटा लगा हुआ है साथ में। और ये पूरा पूरा रूम जो है खिड़कियाँ हैं और इधर बाहर एक तरफ इसमें चाइना टाउन का व्यू है और दूसरी तरफ इधर सिटी का और ये जो होटल्स है और टेंजोंग पगार है, पार्क वगैरह गार्डन है, इधर का व्यू है। तो ये है होटल है, किफ़ायती क्योंकि आसपास काफ़ी ऑफिसेज वगैरह हैं तो लोग जाते हैं यहाँ पे आकर रुकते हैं। पोर्ट भी है यहाँ पे पास में, तो जिसको शिप वगैरह या फेरी कुछ लेनी होती है, इसको बोर्ड करना होता है, तो सबसे नज़दीक ये होटल पड़ते हैं तो इसलिए यहाँ पे रुकते हैं, फिर यहाँ से आगे अपना उसमें ट्रैवल करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा रूम व्यू का, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और थोड़ा रेस्ट करता हूँ, थका हुआ आया हूँ, के बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय 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 बाय, टेक केयर बाय बाय, सी यू बाय 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 बाय।